morning student, this is Mohini Sharma, your English teacher, and today we are going to read your chapter number 1, which is Who Plants a Tree, which means कौन होता है वो जो पेड़ लगा रहा है, कौन है वो जो पेड़ लगा रहा है, okay? In this poem, the poet has described the importance of tree and appreciate the person who plants a tree. इस poem में poet ने डिस्क्राइब किया है कि पेड़ हमारी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उन सभी को अप्रिशिएट किया है जो पौधे लगाते हैं. ओके, शैल वी स्टार्ट. व्हाट डज ही प्लांट्स, हु प्लांट्स अ ट्री. ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई. ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री. द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टूअरिंग हाई. ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अनाई. For song and mother crone of birds, in hushed and happy to light on, the treble of heaven's harmony, these things he plant, who plant a tree. What does he plant, who plants a tree? वो इंसान क्या लगा रहा है जो पेड़ लगा रहा है. वो सन और स्काई का फ्रेंड होता है और planting a tree is like making a home. Which means जब हम कोई भी पेड़ लगा रहे होते हैं तो हम उसमें पानी और सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखते हैं, मतलब उसको सूख ना रहा हो, उसकी पत्तियाँ जो सूख जाती हैं उसे हटा देते हैं हम. तो क्या कर रहे हैं, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो उसको हम बार बार पानी देते हैं ना कि वो मजबूत रहे, वैसे ही जब हम पेड़ लगा रहे होते हैं तो उसकी मजबूती या वो कितने टाइम तक टिकेगा उसको सींचते हैं ना हम. तो वो क्या है, एक तरीके से हम घर बना रहे हैं किसके लिए, पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए. ओके, नाउ ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन एंड सीड्स एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन. ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द बे. ही प्लांट्स द फॉरेस्ट heritage, the harvest of a coming age. The joy that unborn eyes shall see, these things he plants, who plants a tree. इसमें poet बोल रहा है, here poet is again giving an answer and asking a simple question, who plants a tree. यहाँ पर poet बहुत आराम से, बहुत ही सादगी के साथ एक question पूछ रहा है कि पेड़ कौन लगा रहा है, और उसका उत्तर बड़े ही विनम्र होकर दे रहा है. जो पेड़ लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वो एक छांव लगा रहे हैं, यानी कि कूल शेड्स, वो एक छांव लगा रहे हैं. और जब पेड़ बड़े होते हैं तो उसमें सीड मतलब बीज, बर्ड, कली होती हैं. तो एक पेड़ लगाने से ये होगा कि हम रहें या ना रहें, फ्यूचर में हमारे हाथों लगाया हुआ पेड़ हमेशा रहेगा और वो पेड़ की ग्लोरी यानी कि खूबसूरती को और बढ़ाता रहेगा. ओके, पेड़ लगाना फॉरेस्ट हेरिटेज का भी काम होता है, मींस जंगलों की विरासत को बढ़ाने का भी काम करता है. और आज जो हम पेड़ लगाएंगे वो हमारी आने वाली जनरेशन को फल देंगे, मतलब पेड़ लगाना हम क्या करेंगे, हम अपनी आने वाली जनरेशन को अपने हेरिटेज से जोड़ पाएंगे और उन्हें ये बता पाएंगे कि उन्हें भी अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए पेड़ लगाना चाहिए. व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट अ ट्री. ही प्लांट्स इंसेप्ट एंड लीफ एंड वुड इन लव ऑफ होम एंड लॉयलिटी एंड फार कास्ट शो and forecast thought of civic good, his blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds the growth of all land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. Here poet again asking a question by giving a simple answer. यहाँ पर poet ने फिर से वही क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर बड़े ही सादगी से दिया है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसमें से जो रस निकलता है यानी कि सैप है, तो जब पेड़ लगाते हैं तो सैप
उसमें पत्तियाँ और जो लकड़ी लगा, हम वो सब चीज़ हमें जो मिलेगी वो हमें सिर्फ एक चीज़ से मिल जाएगी, बस हमें पेड़ लगाने से हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड अपने अर्थ के लिए अपनी लॉयलिटी शो कर रहा है, और पेड़ लगाना इज़ लाइक अ सोशल वर्क, मीन्स अगर हम अपने देश की यानी अपने अर्थ से हमें क्या मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो अगर हमें अर्थ के लिए निष्ठावादी रहना है तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो हम क्या कर रहे हैं, अपना लॉयलिटी शो कर रहे हैं अर्थ के लिए। तो पेड़ लगाने से हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ लगाना हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जब पेड़ लगाएंगे तो उसका फल या उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला, वो हम फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं कि फ्यूचर वाली जनरेशन उसके बेनिफिट्स ले पाए। ठीक है, आज जो हम पेड़ लगाएंगे उसका बेनिफिट फ्यूचर में ही होगा, और लेगा जो पेड़ लगा रहा है होता है वो कभी पेड़ को भरे हाथों से नहीं लगाता, मतलब जो भी पेड़ लगाता है उसके हाथ में कभी कुछ ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा पेड़ को खाली हाथ ही लगाता है। ठीक है, लेकिन उसके हार्ट में अपने नेशन की ग्रोथ की भावना होती है, मतलब अगर वो अपने नेशन की ग्रोथ देख रहा होता है तो उसके दिल में अलग से ही आ जाता है कि मुझे अपने देश के लिए, चाहे मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं एक पेड़ लगाने से अपने देश के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दे पा रहा हूँ। ठीक है, उससे एक पेड़ लगाने से उसके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, ठीक है, अंदर आती है, वो एक पेड़ लगाता है और जो भी देशभक्ति शो कर रहा है वो आदमी क्या करेगा, एक पेड़ लगाकर भी अपनी लॉयलिटी अर्थ के लिए, मिशन के लिए शो कर सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टू द नेक्स्ट डे। थैंक यू।